वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. इफ ए इक्वल टू दिस वन देन प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू 80. इस क्वेश्चन का जो आपको प्रूव करना है ए इनवर्स इक्वल टू 80, ये मोस्टली बुक्स में गलत प्रिंट है. आप इसको ए इनवर्स इक्वल टू 80 कर लेना. अब इसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन. देखिए गिवन दैट ए इक्वल टू आपको बोला है 1/9 और -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4 ये आपको गिवन है. अब देखिए कैसे करेंगे. ए इक्वल टू पहले आप ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो. 1 upon determinant of A into adjoint of A. इसको नंबर 1 डालो और यहां पे डाल दो सिंस वी नो दैट. देखिए ए इनवर्स है तो 100% इसी फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखिए नाउ आप एक मैट्रिक्स को ठीक प्रकार से अरेंजमेंट करिए. क्या होगा -8/9 1/9 4/9 उसके बाद 4/9. ये 9 को मैं अंदर लेके गया हूं. 4/9 7/9 और क्या आएगा 1/9 -8/9 और 4/9. ये आपको बिल्कुल नजर आ गया होगा. उसके बाद देखिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और वो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ही आप बोल सकते हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसको एज इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिएगा 8/9. ये क्या है 1/9. यहां क्या है 4/9. उसके बाद 4/9 उसके बाद 4/9 7/9 1/9 -8/9 और 4/9. ये आपके पास मिल गया. अब इसको आप सोल्व कर सकते हो. तो कैसे होता है -8/9 उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है. 4/9 into 4/9 क्या होगा 16/9 और -(+56/9). ये आप अपने से भी कर सकते हैं क्योंकि ये कोई टफ काम नहीं है. फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा -1/9. फिर देखो आप ये पूरा कॉलम हटाओ ये पूरी रो हटाओ. उसके बाद देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 16/81 और इसको करो -7/81. ऐसे ही लास्ट में प्लस आएगा 4/9 4/9 और उसके बाद देखो ये पूरी रो हटा दो कॉलम हटा दो और ये पूरी रो हटा दो तो क्या होगा -32/81 और -4/81. ये आ गया आपके पास. अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 आपको ध्यान रखनी है. मैं इसको एक बार यहां से रफ कर देता हूं. अब देखिए -8/9 उसके बाद देखो ये कितना बन जाता है ये 9 क्या आ गया एलसीएम और ये हो गया 72 upon 9. ये 9 नहीं आएगा 81 आएगा दोनों में. ये भी 81 और ये भी 81. तो देखिए 81 उसके बाद -1/9 और उसके बाद क्या होगा 16 में 7 को सेपरेट करो तो कितना आएगा 9 9 upon 81 और उसके बाद में +4/9 और ये क्या हो गया -36/81. तो आप इसे सोल्व करिए. आगे देखो 9 8 72
और ये आपके पास मिलेगा -64/81, ये आपके पास आ गया -1/81, और ये देखो आपके पास आ गया 4, तो -16/81। अब यहां से आपको एलसीएम क्या मिला, 81, तो -16, -1 और -16, तो ये आ गया -81/81, और क्या आ गया -1, और वो क्या होगा ≠ 0। अब ≠ 0 है तो इसका मतलब ये होगा, अब ये आपको याद रखना है कि मैंने क्या बोला है। और ये देखिए, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ≠ 0 आया है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लिखोगे अगेन नाउ, और उसमें आप इसको दोबारा से लिखो, और दोबारा से लिखने के बाद आप सीधे यहां पर आ जाओ। जब आप इधर आए तो देखिएगा, आपने बोला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपने ए लिख दिया। अब इस ए से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पे काम करने वाले हैं हम। देखो C11 क्या होगा, C11 क्या होगा, और ये जो मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करा रहा हूं, ये यूनिक मेथड है, हर जगह आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम बुक के ही कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से सेट अप्रोच के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखो C11 इसको करो, क्या आ गया 16/81, और यहां क्या हुआ -+ 56/81, 56/81, और ये हो गया आपके पास 72/81, और वो आपको मिलता है 8/9, 9 9 और 9 8 72। ऐसे ही C12 क्या होगा, माइनस तो पहले लगा लो, क्योंकि -1 की पावर i+j होता है, तो -1 की पावर 1+2, तो माइनस लगा लो पहले से ही, उसके बाद क्वेश्चन को सिंपल तरीके में सॉल्व कर लो। देखो 1/9 इसकी बात कर रहा है, इसको हटा दो पूरे को और इसको हटा दो पूरे को, तो ये क्या होगा 16/9, 16/81, ये हो गया, और माइनस में क्या होगा -7/81, और ये आ गया -9/81, यानी -1/9। कंप्लीट। उसके बाद देखिए, ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो क्वेश्चन के मार्क्स हट जाएंगे। C13=2, अब आपको इस पे जाना है, और C13 क्या होगा, इवन है नंबर है तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटाया, अब इसको देखो क्या आ गया, माइनस आया है 32/81, और यहां से क्या हुआ -4/81, यानी -36/81, यानी -4/9। यहां तक आपने कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही क्या करेंगे, आप C21 फाइंड आउट करेंगे, और C21 ये है, तो इसको हटा दो और ये पूरी रो हटा दो, तो इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस तो पहले लगाओ, उसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4/81, भाई इसको इससे करो 4/81, -+ 32/81, और इसे आप लिख सकते हो -36/81, ये आप क्या लिखोगे 4/9, माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही C22 लिखो, अब C22 क्या होगा, ये रहा C22, ये पूरी रो हटाओ, ये पूरा कॉलम हटाओ, अब C22 में क्या आएगा, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि -1 की पावर 2+2, -1 की पावर 4, यानी पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला है, तो इसको इससे करो -32/81, और उसके बाद क्या आएगा, देखो इसको इससे कर दिया आपने सोल्व, ये था तो ये हट गया, तो इसको इससे कर दिया, अब इसको करो -4/81, यहां से हो गया -36/81, ये तो सब एक जैसे ही नजर आने लगे हैं। उसके बाद C23=2, माइनस लगेगा, अब ये माइनस प्लस कैसे लग रहा है मैं पूरा बता चुका, अब देखिएगा
माइनस लगने के बाद कैसे सोल्व करोगे, ये वाला है तो इसको पूरे को हटा दिया, इस पूरे को हटाया, इस पूरे को हटाया, तो आपको मिला क्या, ये रहा 64/81 और माइनस 1/81 और ये मिला आपको 63/81 जिसको आप बोल सकते हो -7/9। ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही आप देखिए आगे दोबारा से, ऐसे ही आप C31 फाइंड आउट करो, तो C31 में पॉजिटिव आने वाला है -1/3+1, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये क्या बना 7/81 और ये क्या हुआ, देखो जब दोबारा से ये हट गया और ये हट गया, तो 7/81 -16/81 और यहां से मिला -9/81 यानी -1/9। ऐसे ही C32 = ध्यान दो C32 पे, ये पूरा हटाओ, इसको भी हटाओ, अब क्या हो गया -C32 में माइनस तो पहले से लगाओ और -56/81 देखो भाई ये रहा, और ये करो फिर इसके बाद -16/81 और ये आपके पास आया -72/81 यानी -8/9। ऐसे ही C33 लिखो, अब C33 क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है, उसके बाद देख लो आप, ये हटा दो और आप इसको देखो, आप 4/9 है तो ये हट गया, ये हट गया, तो क्या आया -32/81 -4/81 यानी -36/81 और इसको आप लिखोगे -4/9। अब ये क्वेश्चन मैं चेक करना चाहो, यहां प्लस लगेगा ये बाकी पूरा सही है। अब देख लीजिए आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पर C21 C22 C23 ऐसे ही C31 C32 और C33 ये अपने पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपको हमने बताया C11 C12 C13 फिर क्या करोगे C21 C22 C23 C31 C32 और C33 और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज। ऐसा करने के बाद आपको इन सब वैल्यूज को यहां पर रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से C11 C12 C13 मतलब पहली रो पहला कॉलम बन गया, ऐसे ही दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा C31 C32 और C33। अब ध्यान दीजिए आपको ये इस जगह पे वैल्यूज को रखना है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना आप, C11 की वैल्यू क्या है 8/9, C11 की वैल्यू है 8/9 और C12 की वैल्यू है -1/9, तो मैं अब इनको यहां से हटा देता हूं, उसके बाद C13 की वैल्यू -4/9, ऐसे ही C21 की वैल्यू -4/9, C22 की वैल्यू -4/9 और C23 की वैल्यू -7/9। देखिए C21 C22 C23 सही है, उसके बाद में आपको लिखना है C31 क्या होगा -1/9 8/9 और उसके बाद -4/9 यहां तक आ गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए पुट इन फर्स्ट, आफ्टर पुटिंग वी गेट
ए इनवर्स इक्वल टू क्या था, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था। तो देखिए वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस वन आई थी, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये सामने दिख रहा है, एट बाई नाइन माइनस फोर बाई नाइन, उसके बाद माइनस वन बाई नाइन, उसके बाद माइनस वन बाई नाइन, माइनस फोर बाई नाइन, एट बाई नाइन, माइनस फोर बाई नाइन, माइनस सेवन बाई नाइन और माइनस फोर बाई नाइन। अब देखिए क्या करना है, ठीक है, उसके बाद में वन अपॉन माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन आने वाला है और इस माइनस वन को इस मैट्रिक्स के अंदर भेज दो। तो अंदर जाने के बाद कैसा डिटरमिनेंट बनेगा देखिए, माइनस एट बाई नाइन, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर बाई नाइन, वन बाई नाइन, वन बाई नाइन, उसके बाद वन बाई नाइन, उसके बाद फोर बाई नाइन, माइनस एट बाई नाइन, फिर क्या आएगा माइनस 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 प्लस फोर बाई नाइन, सेवन बाई नाइन और ये फोर बाई नाइन। इस प्रकार से आपने एलएचएस फाइंड आउट कर दिया है और एलएचएस क्या आया है, ए इनवर्स। अब आगे देखिएगा, अब आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है, ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज है। तो ए इक्वल टू आपके पास क्या है, जो वन बाई नाइन बाहर था उसको मैं अंदर ले गया तो हमें ये मिल गया माइनस एट बाई नाइन, वन बाई नाइन, फोर बाई नाइन, इस तरीके से मिला है। उसमें आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा वन बाई नाइन फोर बाई नाइन, ऐसे ही फोर बाई नाइन, फोर बाई नाइन, सेवन बाई नाइन, फिर वन बाई नाइन, माइनस एट बाई नाइन और फोर बाई नाइन। ये आ गया ए की पावर टी और ये क्या था, ए इनवर्स था। तो ये और ये क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हो हेंस एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस, और इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है और देखिए एक बार, देखिए एलएचएस से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इसी टाइप के पूरी एक्सरसाइज 5.1 में अदर क्वेश्चंस हैं, आप उनको करिएगा। और मेरी तरफ से आपकी ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब हम 5.2 की तरफ मूव करेंगे।